हेलो जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गॉड ट्रिपल सिंह टेरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं, और ये रीडिंग अगले जब भी आप रीडिंग देखेंगे उससे 4 से 5 दिन के लिए ये रीडिंग वैलिड हो सकती है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो चाहते आपसे क्या चाहते हैं और वो क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, राइट नो। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो हालांकि इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाए, वो महसूस कर रहे हैं कि निष्पक्ष भावना से डिटैच ना बनते हुए, कोल्ड ना बनते हुए अगर वो दोनों रिश्तों के बारे में सोचेंगे, इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, भले ही चाहे अभी भी किसी परेशानी किसी दुविधा से आप गुजर रहे हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि आप चाहते हुए भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या तो जो सामने वाले हैं वो लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, वो लड़ाकू हैं या फिर ईगोस्टिक इंसान हैं, उनमें काफ़ी ईगो है, काफ़ी अहम है, जिसकी वजह से ये रिश्ता वो आगे नहीं बढ़ रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है कि आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ऐसी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, या फिर या तो वो लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, या हो सकता है कि आप लड़ाकू टाइप के इंसान हो, या फिर कुछ पीठ पीछे ऐसा हो रहा हो आप दोनों की कि नहीं होना चाहिए। तो चाहकर भी आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अभी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है और प्रॉब्लम से ये रिश्ता घिरा हुआ है। हालांकि आप महसूस कर रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद, इस एंजाइटी स्ट्रेस परेशानी को ख़त्म करते हुए उनके पर्सन इस रिश्ते में स्टैंड लें, आगे खड़े बढ़े और इस रिश्ते की अहमियत को देखें, वो डिटैच ना हो, कोल्ड ना हो, और निष्पक्ष भावना से इसमें अगर वो एक्शन लें तो ये रिश्ता फिर भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि अगर उनके पर्सन ऐसा करते हैं तो अगर वो उनके पर्सन अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ देते हैं, उनके साथ कोई उनकी पीठ पीछे कुछ उनकी बुराई नहीं करते, कोई बच्चा मजाक नहीं करते, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलते, और तो जो है इस रिश्ते में जो रुकावटें हैं, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, या फिर जो ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, जो ईगो आगे आ रही है इस रिश्ते में, तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन चाहें तो उस ईगो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार सकते हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन अगर वो ऐसा कर लेते या करते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा उनके बारे में महसूस कर रहे हैं, वो उनसे चाहते क्या हैं वो अभी हम देखेंगे। तो देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो कार्ड्स आए हैं द डेविल, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो सबसे पहले चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, जिसकी वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। अगर वो इस कंट्रोल, इस ओवर कंट्रोल को, इस स्ट्रेस को, इस एंजाइटी को, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह से कंट्रोल करते रहेंगे, तो आगे जाकर इस रिश्ते में पनौती आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, और ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है।
तो वो और वो उनसे वो चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो उस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाए, कामयाब बनाए, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी स्टेबल हो सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। जो वो ये भी वो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं यानी कि जो जेमिनाई है, हर वक्त सजना सवरना बन ठर कर रहना, काफ़ी रानी की तरह रहना या राजा की तरह रहना, ये सब पसंद करते हैं। और भले ही दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, भले ही एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिटैच ना होकर, कोल्ड ना होकर दोनों तरफ की बातें सोचें और निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बने, गॉर्जियस हो, अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से बने। और बहुत जल्दी वो हो सकता है कि ये भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजें, तो ऐसा भी वो चाहते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, प्रेग्नेंट का भी होता है, तो वो इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, फ्रूटफुल देखना चाहते हैं इस रिश्ते को, और कामयाब चाहते हैं कि अगर उनके पर्सन चाहें तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। सॉरी गाइस, जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं इसमें। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं, वो अभी इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड, हालांकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी डीप वाला लव है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ इसमें एडिक्शन भी है, लस्ट भी है, तो उनको एक उनको लग रहा है कई बार, मतलब वो मैं सोच रहे हैं कि अभी डिसीजन मेकिंग में उन्हें मतलब समय लेना चाहिए, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, प्यार प्रेम को देखकर उसकी जोश में भरकर या लाइफ चेंजिंग कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी सिंगल रहते हुए उन्हें सबसे पहले अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना चाहिए। और जिस रिश्ते में, जो रिश्ता उन्होंने बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, जो उनको डर है, भय है कि कभी फिर से इस रिश्ते में पनौती ना आ जाए, दिक्कतें ना आ जाए, फिर से वो अपना सब कुछ खो ना दें, तो पहले अपने हीलिंग करें, अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब उनको लगेगा कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो प्रिपेयर है, रेडी हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में उठें चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि अगर वो उठेंगे चलेंगे इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो जो अंधेरे के बाद जो सवेरा होता है या जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, सुबह सूरज अपनी पूरी लाल रोशनी के साथ उभर कर आता है, तो उसी उम्मीद, उसी होप के साथ वो उठेंगे चलेंगे और धीरे धीरे करके रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो कुछ केसेस में वो शुरुआत करेंगे और कुछ केसेस में अभी उनको लग रहा है कि अभी उन्हें सिंगल रहते हुए ही कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्यार, जो प्यार है, प्यार के साथ साथ जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए और पहले अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करना चाहिए, ताकि आगे जाकर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। तो इस तरह का वो इसमें सोच रहे हैं, इसमें वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि उन्हें पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और डिसीजन मेकिंग में वो जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, ताकि सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बाद आगे बढ़ा जा सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़।
जेमिनाई पर्सन की तरह के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है? टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आपको जगलिंग फेज, आप अभी जगल कर रहे हैं, आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, हो सकता है कोई ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, या तो आपका कोई राज भेद खुला है, या तो आपके पर्सन का कुछ भेद खुला है जिससे आप एंजाइटी में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, परेशानी और दुविधा में हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या जो बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, जो वेल पर्सनैलिटी है आपकी, उस मतलब अपने आप को स्टेबल कीजिए, आपको कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ या नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप सोच विचार करके अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से प्रेम से आगे बढ़ेंगे तो जो भी उलझने हैं, जो भी दिक्कतें हैं, धीरे धीरे करके उलझने आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे और इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकल सकेंगे और तभी आप के लिए चीज़ें सही होंगी, जब आप इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से इससे बाहर निकलेंगे। या फिर यूनिवर्स ये चाहते हैं कि पहले आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जहाँ भी जाएंगे आप, जिधर भी जाएंगे, जो भी ऑप्शन आप एक्सेप्ट करेंगे वही आपके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन अभी इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है, इसमें कोई ईमानदारी, कोई ऑनेस्टी दिखाई नहीं दे रही है, कोई चोरी चकारी, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है या आप उनके साथ खेल रहे हैं, या कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो अभी कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, जगलिंग फेज से बाहर आइए और तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। अभी इसमें काफ़ी परेशानी, दिक्कतें हैं, अभी आपको आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।